दोस्तों, ये मूवी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो कि अपनी वाइफ के सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में अच्छे से जानता है, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी वाइफ को ये सब करने से रोक सके। और साथ ही वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करता है कि वो उसे छोड़ने की बजाय उसके आशिक को ही सबक सिखाने का प्लान बनाता है। और ये सब करने के लिए उसे किस किस हद तक जाना पड़ता है, आइए जानते हैं। इस मूवी का नाम है डीप वाटर। तो कहानी शुरू होती है विक नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि साइकिलिंग करते हुए अपने घर आता है, और वहां वो देखता है कि उसकी खूबसूरत वाइफ मेलिंडा सीढ़ी पर बैठकर बस उसे ही निहार रही है। दोस्तों, ये सीन देखकर एक बार को आपको भी ऐसा लगेगा कि काश लाइफ हो तो ऐसी हो, मगर साथियों, इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसे देखने के बाद आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी लाइफ की 1% भी विक जैसी हो। तो कहानी में आगे हम देखते हैं कि विक और मेलिंडा अपनी बेटी ट्रिक्सी को बेबीसिटर के पास छोड़कर एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और जब मेलिंडा पार्टी जाने के लिए रेडी हो रही होती है तब ये सीन देखकर हमें ऐसा लगता है कि विक और मेलिंडा के बीच बहुत ही गहरा वाला प्यार है, मगर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मेलिंडा पार्टी में जाती है तब वो पार्टी में विक को छोड़कर जोएल नाम की एक नौजवान लड़के के साथ रंगरलियां मनाने लगती है। विक अपनी वाइफ मेलिंडा और जोएल को किस करते हुए भी खुद अपनी आंखों से देखता है, मगर ये देखने के बाद भी विक दोनों से कुछ नहीं कहता और वहां से साइड में हट जाता है। हालांकि उसे अपनी वाइफ की अफेयर्स के बारे में अच्छी तरह से मालूम है और वो अंदर से जेलस भी है, मगर वो अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहता है और वो सोचता है कि वो मेलिंडा को इतना प्यार करेगा कि मेलिंडा खुद उसके पास वापस आ जाएगा। विक और मेलिंडा के इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में विक के सारे दोस्तों को मालूम है, और जब इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले टॉपिक के ऊपर विक की दोस्त मेरी उसे बात करती है तो विक उसे साफ कह देता है कि मेलिंडा अपनी लाइफ में क्या क्या करती है उसे उसे कोई एतराज नहीं है। अब इस बातचीत के बाद विक एक ड्रिंक लेने के लिए बारटेंडर के पास जाता है, और यहाँ बेहद बेशर्मी के साथ जोएल उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें और हमारी वाइफ को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी मेहमान नवाजी मुझे बहुत अच्छी लगी। अक्सर मैंने देखा है कि अपनी वाइफ को किसी और लड़के के साथ देखकर हस्बैंड्स बहुत जेलस फील करते हैं, मगर तुम उनमें से नहीं हो। अब इस बात पर विक जोएल से कहता है कि तुम तो यहाँ काफी दिनों से हो तो तुम मार्टिन के बारे में तो जानते ही होगे। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मार्टिन भी मेलिंडा का बहुत अच्छा दोस्त था और अक्सर उसके आगे पीछे लगा रहता था, मगर एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसका मर्डर कर दिया और आज तक उसकी लाश तक भी किसी को नहीं मिली है। ये सुनते ही जोएल के होश उड़ जाते हैं, मगर हिम्मत जुटाकर वो कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो। तब विक एकदम रिलैक्स होकर कहता है, ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस इन्फॉर्मेशन को कैसे हैंडल करते हो। अब यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जोएल बहुत तेजी में पार्टी से बाहर निकल रहा है और मेलिंडा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नहीं रुकता। ये सब देखकर मेलिंडा समझ जाती है कि जरूर विक ने ही जोएल से कुछ कहा है। फिर जब वो विक से इस बारे में पूछताछ करती है तो विक झूठ कह देता है कि उसने जोएल से कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा जिसे उसका मूड खराब हो। फिलहाल ये मर्डर वाली बात इतनी संगीन है कि ये छुपाए नहीं छुपती, क्योंकि जोएल इस बारे में सबको बता देता है। और अगले दिन विक के सारे दोस्त इस बारे में उसे बारी बारी पूछने लगते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट वाली बात ये है कि विक हर किसी से कहता है कि उसने जोएल से बात बस मजाक में कहा था, और सारे लोग विक का आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं क्योंकि हर कोई जानता है कि मेलिंडा ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा हुआ है और विक ने जोएल से जो भी कहा वो बस जेलसी में कहा होगा। फिर हम देखते हैं कि जब मेलिंडा को इस बारे में पता चलता है कि विक ने मार्टिन का नाम इस्तेमाल करते हुए जोएल को डराने की कोशिश करी है तब वो विक पर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि मेलिंडा पहले मार्टिन को चाहती थी और उसके गुमशुदा होने के बाद अब वो जोएल को चाहती है, मगर विक हर किसी को मेलिंडा से दूर कर रहा है और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब मेलिंडा जोएल से माफी मांगते हुए फिर से उसे अपने घर डिनर के लिए इन्वाइट करती है, और जब सभी लोग डिनर कर लेते हैं तब मेलिंडा विक से कहती है कि प्लीज ट्रिक्सी को आज तुम सुला दो। मेलिंडा विक को एक काम इसीलिए देती है क्योंकि वो जोएल के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, मगर विक को भी ये सब अच्छे से पता है, इसलिए वो ट्रिक्सी को सुलाने के बाद किसी बहाने नीचे आता है और उन दोनों को इंटरप्ट कर देता है। और विक के आने पर मेलिंडा वहां से चली जाती है और तब विक और जोएल कमरे में अकेले रह जाते हैं। अब भले ही दुनिया के सामने विक ने मान लिया है कि मार्टिन के मर्डर वाली बात उसने मजाक में कही थी, मगर अभी भी जोएल की विक से फट रही है। जोएल हिम्मत जुटाकर विक से पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उस मर्डर वाली बात के लिए मुझसे माफी मांगना चाहिए जो कि तुमने मुझे डराने के लिए कहा था। अब यहाँ विक फिर से पलट जाता है और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि एक्चुअली वो मर्डर वाली बात मजाक नहीं है, उसने सच में मार्टिन के सर पर हथौड़ा मार मार कर उसकी हत्या करी है। विक ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कहता है कि जोएल की फिर से फटने लगती है और वो विक से मार्टिन वाली टॉपिक पर और कोई बात नहीं करता और वहां से भाग जाता है। दोस्तों, स्टोरी के इस एंड में हमें खुद भी नहीं पता चल पा रहा है कि विक ने रियल में मर्डर किया है या नहीं, क्योंकि अपने दोस्तों से वो कहता है कि उसने जोएल से मजाक में ये बात कही थी और दूसरी तरफ वो जोएल को डराने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट से ये बात एडमिट करता है कि उसी ने ही मार्टिन की हत्या करी है।
अब आगे हम देखते हैं कि विक अपनी बेटी और मेलिंडा के साथ एक पार्टी में आया हुआ है, जहां उसके दोस्त और उसके दोस्तों के दोस्त पार्टी में शामिल हुए हैं। यहां विक की मुलाकात डॉन नाम की एक राइटर से होती है। फिर वो दोनों आपस में काफी बातचीत करते हुए पर्सनल टॉपिक पर बात करने लगते हैं। डॉन विक से पूछता है कि तुम काम क्या करते हो। विक बताता है कि वो रिटायर हो चुका है और ज्यादातर टाइम वो अपनी साइकिल चलाते हुए स्पेंड करता है। अब इस रिटायरमेंट वाली बात को मेलिंडा ब्रीफ करते हुए डॉन को बताती है कि असल में विक ने एक माइक्रोचिप डेवलप किया था जिसे मिलिट्री वाले ड्रोन सिस्टम में यूज करते हैं, और उस चिप की मदद से वो टारगेट को और भी अच्छी तरह से हिट करते हैं। अब इस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से वहां मौजूद काफी सारे लोगों को पहली बार पता चलता है कि विक असल में एक जीनियस इंजीनियर होने के साथ साथ एक बहुत ही रिच आदमी है। मगर दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि सब कुछ होने के बावजूद भी विक की लाइफ में सुकून नहीं है, क्योंकि इतना प्यार करने के बावजूद भी उसकी वाइफ बाहर मुंह मारती है। अब यहां से स्टोरी कुछ दिन आगे जाती है और हम देखते हैं कि एक दिन विक को बैंक से एक कॉल आता है, और उस कॉल से उसे पता चलता है कि मेलिंडा ने हाल ही में ही $3,000 का एक अमाउंट एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया है। विक बैंक से इस ट्रांजेक्शन का पर्पस पूछता है, तो पता चलता है कि मेलिंडा ने यह अकाउंट किसी पियानो क्लास के लिए पे किया है। अब इस बात से विक को क्लियरली आइडिया लग जाता है कि मेलिंडा ने एक नया लड़का बढ़ा लिया है, क्योंकि जोएल उसे छोड़कर जा चुका है। अब यह जानकारी मिलते ही विक उस पियानो टीचर का पता लगाने में जुट जाता है, और कुछ दिनों की छानबीन के बाद उसे पता चलता है कि मेलिंडा के नए आशिक का नाम चार्ली है, और वो गुजारा करने के लिए एक रेस्टोरेंट में लाइव पियानो बजाने का काम करता है। मेलिंडा के इस नई सेटिंग के बाद से ही वो अक्सर घर पे रात को देर से आया करती है, जिसे पता चलता है कि अब वो चार्ली के साथ फिजिकल रिलेशन में आ चुकी है। विक को इस बात से बहुत जलन होने लगती है, और एक दिन जब मेलिंडा रात में घर नहीं आती है तो अगले दिन विक उस पर बहुत गुस्सा करता है। मेलिंडा विक की जेलसी को अच्छे से समझती है और उसे ये बात भी बताया कि विक उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि विक खुद ही वही शख्स है जो मेलिंडा को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता, और इस बात का वो हमेशा फायदा उठाती है। अब इस भसड़ के बीच एक दिन हम देखते हैं कि विक के एक दोस्त जोनास के घर पूल पार्टी है। यहाँ मेलिंडा चार्ली को भी इनवाइट करती है, और जैसे ही चार्ली पार्टी में आता है वैसे ही वो उसके साथ चिपकना शुरू कर देती है। विक को चार्ली और मेलिंडा के बीच ये नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और साथ ही वो शाम को उन दोनों को बिस्तर गर्म करते हुए भी देख लेता है, जिससे उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इसके आगे हम देखते हैं कि जब सारे लोग पूल में नहा रहे होते हैं तब अचानक से बारिश आ जाती है, और इस दौरान सारे लोग घर के अंदर भाग जाते हैं। मगर जब सभी लोग अंदर होते हैं तब मेलिंडा की नजर पूल पर पड़ती है, और वो देखती है कि चार्ली की डेड बॉडी पानी के ऊपर तैर रही है। ये देखते ही वो चिल्लाना शुरू कर देती है, और तब सारे लोग मिलकर जल्दी से चार्ली को पूल से बाहर निकालते हैं और उसे CPR देते हैं। मगर अब इन सबका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चार्ली ऑलरेडी मर चुका था। फिर हम पुलिस की एक टीम को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जोनास के घर आती है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेलिंडा गुस्से में आकर पुलिस के सामने ही चिल्लाने लगती है कि चार्ली को विक ने मारा है। अब क्योंकि सारे लोग विक और मेलिंडा के डेड रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए सब लोग पुलिस को बताते हैं कि उन दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए ये सब वो गुस्से में कह रही है। और सबसे मेन बात ये है कि जब बारिश आई थी तब सभी लोग के साथ विक भी घर में आ गया था, इसलिए उस पर शक करना ठीक नहीं होगा। अब क्योंकि विक के खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं है, इसलिए विक को बस पूछताछ करके छोड़ दिया जाता है। मगर इस इंसिडेंट के कारण मेलिंडा विक से और भी दूर हो जाती है। अब इस इंसिडेंट के कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि विक साइकिलिंग कर रहा है, और वो बार बार इस बात को याद कर रहा है कि चार्ली ने किस किस तरह से मेलिंडा के साथ संभोग किया होगा। और इसी के तुरंत बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि असल में विकी वही शख्स है जिसने चार्ली को पूल में डुबाकर जान से मार दिया था। खैर, अब चीजें क्लियर हो रही है कि असल में विक कोई इनोसेंट आदमी नहीं है, वो एक ऐसा शातिर मर्डरर है जो कि अपनी वाइफ के आशिकों को बहुत बुरी तरह से मार रहा है, और शायद मेलिंडा के पहले बॉयफ्रेंड मार्टिन का भी हत्या उसी ने की है। खैर, अब इस बात का अंदाजा मेलिंडा को भी लग चुकी है, इसीलिए वो डॉन की मदद से एक पर्सनल डिटेक्टिव को हायर करती है और उसे विक के पीछे लगा देती है। मगर विक को बेहद आसानी से बात पता चल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका शार्प माइंड बाकी सब लोगों से आगे चल रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि इस डिटेक्टिव वाले केस के लिए पहले तो विक डॉन को जाकर धमकाता है ताकि वो ऐसी हरकतें दोबारा ना करे, मगर डॉन विक को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डॉन एक राइटर है, और मैं आपको बता दूं कि वो विक के केस को पर्सनली इसीलिए हैंडल कर रहा है क्योंकि वो एक ऐसी धमाकेदार क्राइम स्टोरी लिखना चाहता है जो कि उसे नाम शोहरत दिला सके। मगर उसका जुनून उसे कहां ले जाता है ये तो हम आगे ही जानेंगे। अब स्टोरी थोड़ी और आगे शिफ्ट होती है, और हमें पता चलता है कि मेलिंडा ने फिर से अपना एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है जो कि उसका कॉलेज का एक फ्रेंड है। मेलिंडा के इस नए बॉयफ्रेंड का नाम टोनी है, और वो एक दिन मेलिंडा से मिलने उसके घर आता है, और वो उसी के घर में मौका पाकर मेलिंडा के साथ पलंग तोड़ने लग जाता है। विक भी ये सब नजारा चुपके से देख लेता है, और इस बार मेलिंडा भी उसे देख लेती है, जिससे वो दोनों एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं। और विक सोचता है कि ये साला टोनी तो बाकी सबसे एडवांस चल रहा है, और वो उसे मारने के लिए एक प्लान एग्जीक्यूट करता है। अगले दिन विक एक कार से टोनी का पीछा करता है,
और मौका पाकर वो उसके सामने ही अपना गाड़ी लगा देता है और एक फ्रेंडली बिहेवियर के साथ वो उसे कहता है कि अरे यार तुम तो यहाँ हो, मेलिंडा कितनी देर से तुम्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे तुमसे कुछ काम है। अब क्योंकि बात खूबसूरत मेलिंडा की है इसीलिए टोनी विक के झांसे में आ जाता है और वह विक की गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है मेलिंडा से मिलने के लिए। अब विक कार ड्राइव करते हुए टोनी को जंगल के बीचों बीच ले जाता है जहां कोई नहीं है। गाड़ी से उतरने पर टोनी विक से पूछता है कि यहां हम क्या करने आए हैं और इस सवाल के जवाब में विक एक पत्थर उठाता है और टोनी के सर पे मार देता है। फिर विक टोनी की डेड बॉडी को चेक करने नीचे जाता है और जब वो कन्फर्म हो जाता है कि वो मर चुका है तब वो उसे नदी में एक पत्थर से बांध कर डुबा देता है ताकि उसकी बॉडी किसी को ना मिले। अब दोस्तों अगले दिन हम देखते हैं कि मेलिंडा और ट्रिक्सी एक पिकनिक पर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और तभी विक घर पे आता है। अब जाते आते मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे। विक तुरंत उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही वो पूछता है कि हम पिकनिक के लिए कहाँ जा रहे हैं। तब ट्रिक्सी कहती है कि हम जॉर्ज जा रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पंगा ये फंस जाता है कि असल में जॉर्ज वही जगह है जहाँ विक ने टोनी को जान से मारकर उसे नदी में दफन किया है और अब उसे इस बात का ज्यादा डर है कि कहीं मेलिंडा घूमते हुए उस लोकेशन तक पहुंच ना जाए। अब सीन कट होता है और हम तीनों को जंगल में देखते हैं। ट्रिक्सी जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए अपने डॉग के साथ विक और मेलिंडा से आगे चली जाती है। फिर यहाँ शांति में मेलिंडा विक से पूछती है कि तुम अभी भी मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो क्योंकि बाकी सब तो मुझे छोड़कर चले जा रहे हैं। इस बात पर विक बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहता है मुझे नहीं पता, बस मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अब इस बात से मेलिंडा इंप्रेस हो जाती है और उसके मन में विक के लिए फीलिंग्स फिर से जग जाती है और वो दोनों करीब आ जाते हैं। अब मेलिंडा और विक का रोमांस चल ही रहा होता है कि तभी ट्रिक्सी के चिल्लाने की आवाज आती है और विक उसे देखने चला जाता है। ट्रिक्सी कहती है कि उसका डग नदी के किनारे खड़ा होकर भौंक रहा है और वापस ही नहीं आ रहा। अब विक नदी की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि टोनी की लाश पानी के ऊपर आ गई है और अब उसे कोई भी देख सकता है। विक जल्दी से किसी बहाने से अपने फैमिली को लेकर वहां से निकलता है और इस जल्दबाजी में मेलिंडा अपने स्कार वहीं भूल जाती है। मेलिंडा विक को वापस चलने के लिए कहती है मगर विक कहता है कि चिंता मत करो, मैं कल वापस आकर तुम्हारा स्कार ढूंढ लूंगा। असल में विक को वापस आना ही है क्योंकि उसे टोनी की बॉडी को फिर से ठिकाने लगाना होगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विक अपनी साइकिल से फिर से क्राइम लोकेशन पर आता है और वो टोनी की बॉडी को फिर से पानी में डुबाने की कोशिश करता है मगर इसी दौरान इन्वेस्टिगेट करते हुए डॉन भी वहां पहुंच जाता है और वो विक को रंगे हाथों पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मेलिंडा भी विक को ढूंढते हुए स्टोर रूम में आती है जहां उसे विक तो नहीं मिलता मगर उसे टोनी का वॉलेट मिल जाता है जिसे विक ने छुपा कर रखा था। अब टोनी का वॉलेट देखने के बाद मेलिंडा समझ जाती है कि असल में टोनी उसे छोड़कर नहीं गया है बल्कि विक ने ही उसे कहीं ठिकाने लगा दिया है। इधर जंगल में हम देखते हैं कि डॉन को मारने के लिए विक उसके पीछे पड़ गया है और डॉन बहुत तेजी में कार ड्राइव करते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा है मगर यहाँ डॉन ड्राइव करते हुए कार पर से अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी कार बहुत ऊपर से खाई में गिर जाती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मेलिंडा घर से भागने के लिए अपनी और अपनी बेटी का सामान पैक करके निकलने के लिए रेडी हो रही होती है मगर ट्रिक्सी सारा पैक सामान पूल में ही फेंक देती है क्योंकि वह अपने डैड को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती है। ट्रिक्सी के अपने डैड के लिए प्यार इतना ज्यादा है कि मेलिंडा उसे फुलफिल नहीं कर सकती, इसलिए वो भी मन बना लेती है कि अब वह कॉम्प्रोमाइज करते हुए विक के साथ ही रहेगी। अब मेलिंडा टोनी के उस वॉलेट को जलाकर खत्म कर देती है जो कि एक एविडेंस का काम कर सकता है। इसके बाद हम मूवी के स्टार्ट जैसा सेम सीन अगेन मूवी के एंड में देखते हैं जहां विक साइकिल चलाते हुए अपने घर पर आता है और मेलिंडा स्टेयर्स पर बैठकर बस उसे ही निहार रही है। विक उसे पूछता है कि क्या हुआ, तब मेलिंडा कहती है कि कुछ नहीं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी डीप वाटर की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।